फिल्म की कहानी 18वीं सदी की बताई गई है, जब लोग आंख बंद करके अंधविश्वास पर विश्वास करते थे, जब विज्ञान के बारे में कोई जानता नहीं था, यहाँ तक कि देशों के बॉर्डर्स के नक्शे भी नहीं बने हुए थे। इसलिए फिल्म का लीडिंग कैरेक्टर एक एस्पायरिंग कार्टोग्राफर जोनाथन खुद के बनाए डिवाइस से जो दूरी मापता है, वह दुनिया का पहला नक्शा बनाने के रोमांच पर निकल पड़ता है। वहीं यहाँ पर हम ऑडियंस को एक एंशियंट एविल भेड़ डार्कनेस गार्ड के बारे में बताया जाता है, जिनकी आंखों में देखने से कोई जिंदा नहीं बचता और किसी घने जंगल में बसे एक राज्य के लोग प्राचीन संस्कृति को मानते हैं, जहां फूलों से सजी प्लेट में एक कैंडल को तालाब में बहाने पर जिस किसी पुरुष के हाथ में लगेगा वही उसका सच्चा जीवन साथी होगा। कुछ इसी श्रद्धा को निभाते वक्त एक रात जब पूरा गाँव गहरे अंधेरे में घिरा हुआ था और तेज बिजली गरज रही थी, तब गांव की एक लड़की नस्तुसिया को राजा की बेटी की तालाब में लाश दिखती है, पर उसके घबराहट के कारण पानी में गिरने पर तुरंत ही चमत्कार कारण से एक भेड़ जैसा जानवर उसे पानी में डूबने से बचा लेता है। इस जानवर के शरीर पर बहुत सारे सींग होते हैं और सीन कट होकर अगली सुबह राजा को उसकी बेटी की बुरी खबर मिलती है, पर उसमें अभी थोड़ी जान बाकी थी। मरते मरते भी वह अपनी आखिरी इच्छा राजा को प्रकट कर जाती है कि गांव का ही एक यंग प्रिस्ट खोमा उसकी श्रद्धांजलि में अगले 3 दिन तक प्रार्थना करेगा। वही जानता है कि शिव क्रिएचर के पीछे के बारे में। अब राजा अपनी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत खोमा को अगले 3 दिन तक अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने का आदेश देता है। इसके बदले में वह उसे 1000 सोने के सिक्के देंगे। अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। खोमा को अकेले लाख कर देने के बाद जब वह अपनी प्रार्थना शुरू करने लगता है, तब अचानक में ही चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। हजारों में फूल जीसस के इर्द गिर्द सर्कल करने लगते हैं। वह घबरा कर डेविल से बचने के लिए एक सर्कल बनाने लगता है, पर अंत में राजकुमारी के भूत के हमले से वह सीन कट हो जाता है। अब 3 दिन हो चुके होते हैं। राजा अपने वादे के अनुसार प्रीस्ट को 1000 सोने के सिक्के देता है खोमा को उसके काम के लिए देने के लिए, पर प्रीस्ट इन पैसों से आश्रम बनाने का सुझाव देता है, पर राजा नहीं मानता और प्रीस्ट सिक्के लेकर उसी चर्च में जाता है और उसके अंदर जाते ही एक धड़ सी आवाज आती है। वो घबरा जाता है क्योंकि खोमा सर्कल के बीच प्रीस्ट को मरा मिलता है। यह देख उसे लगता है कि यह जरूर डेविल का काम होगा और अब उसे लगता है कि यह जगह श्रापित हो गई है। सभी को इस चर्च को सील करने का ऐलान करता है, पर ग्रीडी ब्रदर्स का इतना सारे सोने के सिक्के देखने पर उनका इरादा डगमगा जाता है, इसलिए दोनों पैसे चोरी से अपने पास रख लेते हैं। पर प्रीस्ट के चर्च के एक हिस्से को सील करने के लिए कहने पर उन दोनों भाइयों में से एक नीचे गिर जाता है और राजा के आने पर वह उन्हें चर्च के श्रापित होने के बारे में बताते हैं, जहां जाना पाप से कम नहीं होगा क्योंकि लालची ब्रदर्स नहीं चाहते कि उनके चुराए हुए सोने के सिक्कों का राजा को पता चले। वह अपने गिरने का कारण भी राजकुमारी के भूत को बताकर सभी को वहां जाने से रोकने में सफल हो जाते हैं। इसलिए राजा को प्रजा के प्रेशर के कारण अपनी बेटी के साथ उस चर्च को सील करना पड़ता है, जिसे प्रार्थना से सील करते वक्त सच में खतरनाक डेमोन और भयानक क्रीचर नजर आने लगते हैं। यहाँ तक कि वही भेड़ जैसा जानवर चर्च के टावर से उन्हें घूर रहा होता है। अब 1 साल बीत जाता है और जोनाथन भटकते भटकते उसी गाँव में एंटर हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से होती है, जो अपना पूरा ड्रिंक जोनाथन के साथ शेयर करने के बाद वो इसी गाँव की कहानी उसके साथ शेयर करते हैं कि 1 साल पहले उनका दोस्त खोमा इस गांव में गायब हो गया, जब वह वहां पर छुट्टियां बिताने गए थे, क्योंकि एक दिन रास्ता भटक जाने के कारण उन्हें एक बूढ़ी के घर पर पनाह लेना पड़ा, जहां रात के समय ड्रिंक एंजॉय करने के बाद खोमा को डरावने साए नजर आने लगे थे, जो अंत में वही बूढ़ी राजकुमारी की आत्मा निकली। इसलिए वह वहां से निकलने से पहले उसे वहां ना जाने के लिए सलाह देते हैं, पर विज्ञान पर यकीन करने वाले जोनाथन को उनकी बात पर हंसी आ जाती है, पर उनकी बातों को सीरियसली ना लेने का अंजाम उसे अपनी आंखों के सामने कोई डरावने भेड़िए नजर आने लगते हैं। जैसे तैसे वह उनसे पीछा छुड़ाकर उसी गांव में एंटर कर जाता है और गिर जाता है। सन की प्रेस्ट उसकी किताब को देखकर उसे भी कोई सैटन का भेजा हुआ दूत बताता है, पर जोनाथन उस पर ध्यान ना देकर वहीं उसी घर में ठहरने का तय करता है जहाँ वह लड़के रहे थे। जब तक उसकी मैप मेजर करने वाली मशीन जो टूट गई थी, जोनाथन उसे ठीक ना कर ले। इधर राजा अब प्रीस्ट से तंग आने लगा था, क्योंकि आखिर कब तक अंधविश्वास के कारण वह अपनी बेटी को सही से श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 1 साल बीत गया है और अब भी उनकी बेटी की लाश वहीं पड़ी है, पर प्रीस्ट पाप के नाम पर उन्हें चर्च फिर से खोलने की अनुमति नहीं देता।
राजा को जोनाथन का एक वैज्ञानिक होने का पता चलने पर वह उसे उनके गांव का मैप बनाने का काम देता है, जहां उसको चर्च को सेंटर में दिखाना है। इसलिए उसे नक्शा तैयार करने के लिए टावर से शुरुआत करनी होगी। इसके बदले वह उसे 1000 सोने के सिक्के भी देगा, पर उसे इस काम को सीक्रेटली करने के लिए कहता है, जिसमें उसका एक साथी पेट्रोस उसकी मदद करेगा। पर प्रीस्ट को उसका पता चल जाता है। वह नहीं चाहता कि कोई उस चर्च को दोबारा खोले, इसलिए वह पता करने के लिए ग्रीडी ब्रदर्स को ब्लैकमेल करता है, क्योंकि उसे पता है कि उन्होंने वहां पड़े सिक्के गायब करके अपने पास रख लिए थे। अब उसी रात वह दोनों जोनाथन के पास जाते हैं और ड्रिंक करते हैं, साथ ही वह खुद भी पीते हैं और उसे भी खूब पिलाते हैं और फिर उसके साथ अपने साइड की कहानी शेयर करते हैं। उस दौरान चर्च में आकर कोमा के साथ क्या हुआ था, कैसे राजकुमारी की चुड़ैल ने उसे हॉन्ट किया, उसने गांव वालों को अलार्म करने की कोशिश भी की थी, पर चुड़ैल ने पूरे चर्च को झाड़ियों में घेर लिया था। दूसरा ब्रदर भी अपने साइड की कहानी शेयर करता है कि कैसे उस चुड़ैल के उसे हॉन्ट करने के बाद उसने उस विच की जान ले ली, पर जोनाथन को लगता है कि वह सब दारू के नशे में बक रहे हैं। अचानक जोनाथन को सभी मॉन्स्टर में दिखने लगते हैं, साथ ही उसे राजकुमारी का भूत डराने लगता है। वह भी डर जाता है और बिलीव करके उनसे बचने के लिए खुद के चारों ओर सर्कल बना लेता है, जो सच में काम करता नजर आ रहा होता है। फिर वह सब कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं। फिर वह अचानक से अपने आप को डेविल की दुनिया में पाता है। यहाँ बहुत सारी बुरी आत्माएं थी, जहाँ वही मिथिकल डेविल गॉड लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस के साथ राजकुमारी की आत्मा भी नजर आती है। असल में हमें पता चलता है कि आखिर क्यों डेविल गॉड की आंखों में देखने से कोई भी जिंदा नहीं बचता है। डेविल गॉड उसे किसी कारण से शिप की स्क्रीन के पीछे का रहस्य पता करने का आदेश देता है। अगर वह जिंदा लोगों के बीच जीना चाहता है तो अब होश में आते ही वह सबसे पहले ही राजा के काम पर लग जाता है और चर्च का दरवाजा सील होने के कारण जोनाथन चढ़ाई करके टावर के ऊपर तक पहुँचता है। वहीं जोनाथन पर ग्रीडी ब्रदर्स की नज़र बनी रहती है। वहीं जोनाथन अपने काम से मतलब रखते हुए मैप बनाने में लग जाता है, पर ग्रीडी ब्रदर्स के अकेले निकलते वक्त वह अपना पाइप वहीं भूल जाता है। फिर हमें वही शेप क्रिएचर नजर आता है। वही ग्रीडी ब्रदर्स का एक भाई उस पर नज़र रखता है और दूसरा भाई सिक्के कहीं और छुपाने का तय करता है। जोनाथन अपना मैप तैयार करके नीचे उतरने लगता है कि अचानक ही उसका बैग गायब हो चुका होता है। शायद वह बैग अंदर गिर गया होगा, पर उसके अंदर जाने की कोशिश में एक सीलिंग क्रॉस के कारण वह अपना पकड़ खो देता है और सीधे नीचे जा गिरता है। पर पेट्रोस की कार्य कुशलता के कारण वह मरते मरते बचता है। जोनाथन को अपना बैग खोजने उस चर्च में जाना होता है। चर्च श्रापित होने के कारण पेट्रोस उसके भले के लिए उसे वहां पर जाने नहीं देता। दूसरी तरफ दूसरे ग्रीडी ब्रदर को वह सिक्के अपनी लोकेशन पर नहीं मिलते और वो वहां पड़े अपने भाई का पाइप देखने के बाद उसे अपने लालची भाई पर शक होने लगता है। इधर प्रीस्ट भी सब जानने के लिए यहाँ दूसरे ग्रीडी ब्रदर की मदद से पेट्रोस को उठा लेता है और पेट्रोस बेचारा डर के मारे सब कुछ बता देता है। पर अब उसकी और जोनाथन की जान खतरे में हो सकती है, इसलिए वह तुरंत जोनाथन को और अपने गर्लफ्रेंड नस्तुसिया को साथ लेकर भागने लगता है। पर प्रीस्ट रिस्क नहीं ले सकता था इससे पहले कि राजा श्रापित चर्च को खोले, इसलिए कुछ तैयार करने के बाद वह तुरंत गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने राजा के विरुद्ध भड़काने लगता है। प्रीस्ट कहता है कि राजा श्रापित चर्च को खोलकर गांव को भी श्रापित करना चाहता है और जोनाथन और कोई नहीं बल्कि शैतान का ही भेजा हुआ दूत है। इसलिए सभी मिलकर सबसे पहले जोनाथन की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं यहाँ जोनाथन, पेट्रोस और नस्तुसिया भागने की तैयारी में होते हैं। ठीक तभी नस्तुसिया बिना बताए तालाब में खाना रखने के लिए निकल पड़ती है। पेट्रोस उसे खोजने निकल पड़ता है, पर आगे वही डरावना भेड़ जैसा जानवर नजर आने से वह तुरंत भाग पड़ता है। वही ग्रीडी ब्रदर के बीच उन दोनों में सोने के सिक्कों के कारण झड़प हो जाती है और अंत में दोनों में से एक दूसरे की जान ले लेता है। पर नस्तुसिया उन्हें यह करते देख लेती है। वही ग्रीडी ब्रदर को पता चलता है कि गांव वाले उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रीडी ब्रदर चालाकी से अपने हाथ का चाकू नस्तुसिया के हाथ में थमा देता है और एक्टिंग करने लगता है कि वह उसकी जान लेने की कोशिश कर रही है और वह भी एक चुड़ैल है। अंधविश्वासी गांव वाले यह देख उसे सच मानकर नस्तुसिया को कैद कर लेते हैं। इधर भागने के चक्कर में तालाब में गिरने के कारण जोनाथन अब डूबने लगता है, लेकिन कोई उसे उसी के खोए हुए बैग से बाहर निकालता है। बैग का बेल्ट टूट जाने के कारण वह सिर्फ बेल्ट
लेकर भाग निकलता है, जबकि जोनाथन को अपने मैप का बैग मिल जाता है। तभी उसे वहां उसी शिप की स्किन मिलती है। तभी उसे कुछ तो समझ आता है और वह तुरंत राजा शाटनिक के पास जाकर उससे बात करता है कि राजा ने उसे मैप बनाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के हत्यारे और उस चर्च में क्या हुआ इस बारे में जानने के लिए उसे हायर किया है। तब राजा यह सब मान लेता है और उससे विनती करता है कि वो अपने विज्ञान की मदद से उसकी बेटी के हत्यारे का पता करे। वही राजा प्रीस्ट को नस्तुसिया का बलिदान देने से रोकता है, पर अंधविश्वासी गांव वाले प्रीस्ट के बातों में अंधे हो जाते हैं, इसलिए अपने ही राजा को पापी मानकर उसे बेहोश कर देते हैं। पेट्रोस के कोशिश करने पर भी उसे हार माननी पड़ती है। अंत में जोनाथन को पकड़ने के बाद वह दोनों को एक ही जगह पर कैद कर देते हैं। नस्तुसिया से मिलने पर जोनाथन को कुछ पता चलता है कि पिछले एक साल से नस्तुसिया एक मॉन्स्टर को खाना दे रही थी, इसलिए वह वहां पर गई थी। साथ ही जो उसे उसका मैप वापस मिला उस पर चोर ने कुछ और एरिया भी इंगित कर दिए थे और उसे बगल से प्रीस्ट के उन्हें मार देने के प्लान के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि ग्रीडी ब्रदर्स को राजा बनना और प्रीस्ट को खुद की मोनेस्ट्री बनानी होती है। रात होने पर सभी गांव वाले नस्तुसिया को चुड़ैल मात बताकर डुबोने ले जाते हैं। इधर प्रीस्ट सबको कहता है कि वह खुद ही पानी में डूब जाएगी अगर वह सच में चुड़ैल है तो। रियलिटी में प्रीस्ट ने बोट को पत्थर से भर दिया था और साथ ही बोट में छेद कर दिए होते हैं ताकि वह अपने आप ही जल्दी से जल्दी डूब जाए, पर अब गांव का एक समझदार आदमी जोनाथन को वहां से छुड़ा लेता है और गुस्से में उसके कुछ देर बाद ही पेट्रोस प्रीस्ट के सारे घर को आग लगा देता है, जिससे प्रीस्ट का सारा कीमती सामान जलकर राख हो जाता है। जोनाथन उससे मिलकर सब सच बताने लगता है और उसे समझाने लगता है कि यह क्रीचर असली नहीं था, वह सिर्फ एक शीप की स्किन थी। वह स्किन का इस्तेमाल करके गांव वालों को नस्तुसिया से दूर ले जाने का सलाह देता है ताकि वह भी चुपचाप चर्च में एंटर कर सके, और पेट्रोस फिर ऐसा ही करता है और पागल गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, पर प्रीस्ट मौका देखकर नस्तुसिया को डूबने के लिए पानी में ढकेल देता है। जोनाथन के चर्च में एंटर करने पर चौंकाने वाली बात उसे राजकुमारी की लाश पर फ्रेश फ्लावर मिलते हैं और वहीं खोमा की लाश गायब होती है। इसी बीच कोई अनजान आदमी उसका मैप चुराने की कोशिश करता है, पर जोनाथन उसे गन की नोक पर भागने नहीं देता। अब उसके पास उसके बैग की बेल्ट देखकर अब उसे सारी कहानी समझ आ जाती है कि यह आदमी वही है जो भेड़ की स्किन में अब तक गांव वालों को डरा रहा था, और यह आदमी और कोई नहीं बल्कि खोमा ही है। खोमा उसे बताता है कि उसने उसका मैप चुराने की कोशिश इसलिए की क्योंकि वह सिर्फ यहाँ से भागना चाहता है, इससे पहले कि अंधविश्वास के नाम पर गाँव वाले उसकी जान ले लें या भागने की सजा में राजा के हाथों मारा जाए। वह बताता है कि डूबने के दौरान उसी ने उसकी जान बचाई थी। अंत में वह बेल्ट उसके पास रह गई। दरअसल एक साल पहले अपने दोस्तों के साथ भटक जाने पर उसे राजकुमारी की वही माला वाली प्लेट पानी में मिली, जिससे राजकुमारी ने उसे अपना जीवनसाथी मान लिया, इसलिए मरते वक्त उसने उसका नाम लिया उसके लिए प्रे करने के लिए। पर इस दौरान किसी ने भेड़ की स्किन के अंदर उसकी जान लेने की कोशिश की, पर जब तक खोमा की आंखें खुली तब तक नस्तुसिया राजकुमारी को ढूंढ रही थी, पर उसके तालाब में गिरने पर उसने भेड़ की स्किन में उसकी जान बचाने का तय किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह उसे राजकुमारी का हत्यारा ना समझ ले। इसलिए जान बचाने के लिए नस्तुसिया उसे एक साल से भेड़ मॉन्स्टर समझकर खाना देती रही। इस घटना के कारण उसने अपने दोस्तों के साथ संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसकी भेड़ वाले स्किन को देखकर उसके दोस्त डरकर वहां से भाग गए। वही है जिसने ग्रीडी ब्रदर के सिक्के गायब करके दोनों को एक दूसरे से लड़वाया क्योंकि वह दोनों एकदम कपटी और लालची थे। उसके बाद वापस आकर वह राजकुमारी की आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगा, पर प्रार्थना के तीसरे दिन वही आया जिसने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, और वह और कोई नहीं बल्कि प्रीस्ट निकलता है। वह खोमा को नॉकआउट कर देता है और राजकुमारी के साथ उसे उसी ताबूत में लॉक कर देता है। वह अब अपनी सच्चाई जोनाथन को बताता है कि राजकुमारी पर अटैक करने वाला वही था, क्योंकि प्रीस्ट को राजकुमारी की सुंदरता पसंद आने लगती है। किसी को उसके बारे में पता ना चले इसलिए उसने भेड़ की स्किन में दोनों पर वार करने के बाद राजकुमारी का बलात्कार करके उसकी लाश वहीं फेंक दी। सबूत मिटाने के लिए उसने दो बार खोमा की जान लेने की कोशिश की, पर हर बार वह बच गया। फिर हम देखते हैं कि आखिर क्यों उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया था जब वह मरने से पहले उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश कर रही थी कि यही उसका कातिल है। इसी दौरान चर्च में प्रीस्ट के एंटर करने पर जोरदार धड़ की आवाज़ वह प्रीस्ट का खोमा को नॉकआउट करने की थी। असल में प्रीस्ट अपना खुद का रिलीजन तैयार करना चाहता है जिसका वह खुद मसीहा होगा।
उसने सालों से यूरोप में सफ़र करके विज्ञान सीखा और उसके बाद से जादू के नाम पर वह गांव वालों को उल्लू बनाने लगा। इस दौरान डेविल और भूत प्रेत उसके डिवाइस का फंक्शन था, प्रोजेक्शन था। तभी हम देखते हैं कि जोनाथन को वाई वह सभी डरावने क्रिएचर क्यों दिखाई देने लगे थे, क्योंकि शायद वह उसकी हैवी ड्रिंक के कारण उसे हेलुसिनेशन हुआ था। गांव में एंटर करने से पहले भी उसने ड्रिंक पी थी, इसलिए इसी कारण से भयानक भेड़ियों का हेलुसिनेशन उसे हुआ था। वहीं खोमा को राजकुमारी का भूत नजर आना सब उसके दिमाग का वहम था। एक लाश के साथ इतने दिन बिताने के कारण उसके दिमाग पर डर के कारण असर पड़ने लगा था, यानी कि अब तक सारे देखे गए भूत या चुड़ैल या तो ट्रिक थे या फिर आंखों का धोखा। उसके बाद वह पेट्रोस को भी रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। ग्रीडी ब्रदर्स को उसकी चालाकी समझ आ जाती है, पर तब तक वही भले गांव वाले उसे बचा लेते हैं और गांव वालों को भी यह क्रीचर की असलियत समझ आ जाती है। अब आखिरकार उनकी आंखों से अंधविश्वास का पर्दा हटने लगता है। उन्हें अब समझ आता है कि शायद उनका चर्च भी श्रापित नहीं है, इसलिए सभी मिलकर चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर पेट्रोस नसुसिया को बचाने लगता है, पर तब तक वह डूब चुकी होती है, इससे पहले कि जोनाथन भी प्रीस्ट के हाथों से मरे। चमत्कारिक तरीके से क्रॉस सीधा प्रीस्ट के ऊपर आकर गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वहीं एक और चमत्कार, नसुसिया डूबने के बजाय अपने आप ऊपर आ जाती है। इधर ग्रीडी ब्रदर जोनाथन के घोड़े से भागने की कोशिश करता है, पर वफादार घोड़ा उसे ज़ोरदार लात मारता है और उसे बेहोश कर देता है। उसे भी अपने किए का भुगतान करना पड़ता है। अब मूवी में एक हैप्पी एंडिंग होती है, जहाँ राजा अपनी बेटी को सही से श्रद्धांजलि देता है। गाँव वाले भी विज्ञान के बारे में कुछ सीखते हैं ताकि वह अगली बार अंधविश्वास पर यकीन ना करें। और जोनाथन भी अपने अगले रोमांच चाइना की तरफ निकल पड़ता है, पर भूत प्रेत पर यकीन ना करने वाले जोनाथन के कैरेज के पीछे वही मिनी ड्रैगन हमें नजर आता है, जिसे जोनाथन ने उस दौरान देखा था। इधर अंत में प्रीस्ट खुद को उसी गार्ड ऑफ डार्कनेस के हेल में पाता है, जहां वाई उसे अनंत काल तक उसकी दुनिया में जलने का श्राप देते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब रहा सवाल कि मूवी बताना क्या चाहती है, कि क्या भूत और पिशाच एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। हमने अंत तक फिल्म में देखा कि फिल्म में देखे गए भूत या चुड़ैल सभी या तो उनकी आंखों का धोखा या प्रोजेक्शन ट्रिक था, और वहीं एंड में मिनी ड्रैगन और प्रीस्ट को गॉड ऑफ हेल में देखा जाना शायद डायरेक्टर ने दोनों साइड दिखाने की कोशिश की है कि जैसे विज्ञान है वैसे ही पराविज्ञान भी है, जिसका सबसे बड़ा क्लू खोमा के साथ उस चुड़ैल का छत को फाड़कर निकल जाना था, जो जोनाथन ने वहां पर रहने के दौरान देखा था। यानी कि उन लड़कों का नशे में वह कहानी बताना कोई उनका वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी, और वह बूढ़ी औरत सच में एक चुड़ैल थी। आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपके लाइक और कमेंट से ही मेरी वीडियो चल पाएगी। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाएं। मैं मिलूंगा अगली बार एक न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।